पुतिन ने जिस राइफल से नाटो को हराने की ठानी है, अब वही राइफल भारत के पास पहुंच गई है। यह है AK-203। इस राइफल के साथ साथ पुतिन ने भारत को एक बहुत ही खास बम देने का भी ऐलान किया है, जिसका नाम है मैंगो बम। यूक्रेन युद्ध में AK-203 से गदर मचाता रूस। नेस्तो नाबूद होते टारगेट, ये गदर है रूस की उस विनाशक राइफल का जिसका नाम है AK-203। और अब ये गेम चेंजर राइफल हिंदुस्तानी जाबाजों के हाथों में पहुंच चुकी है, वो भी 1-2 हजार में बल्कि 35,000 राइफल। तो अब सोचिए कि दुश्मन का क्या हाल होगा। खुशखबरी सिर्फ यही नहीं है, इसके भी आगे है कि ना सिर्फ भारतीय सेना इन राइफलों का इस्तेमाल करेगी बल्कि इनका उत्पादन भी यहीं भारत में होने लगा है। भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारत में इन खतरनाक राइफलों को बना रही है, यानी जिन राइफलों के खौफ ने दुनिया के 24 देशों को बेचैन कर रखा है वो अब भारत में बन रही है। भारत के अमेठी शहर में इसका उत्पादन हो रहा है और 35,000 AK-203 राइफल रक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से पहले सेना के लिए ये अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों नेता शामिल होंगे। रिपोर्ट है कि अब तक 10,000 AK-203 सेना के अलग अलग यूनिट में दी जा चुकी हैं। बाकी बची 25,000 राइफल भी सेना को डिलीवर की जा चुकी हैं। लेकिन सैनिकों को सुपुर्द करने से पहले उनका फाइनल इंस्पेक्शन हो रहा है। जैसे इंस्पेक्शन का काम पूरा हो जाएगा, बाकी की 25,000 राइफल भी जवानों को सौंप दी जाएंगी। सवाल है कि कितनी खास है AK-203। AK-203 रूस की मशहूर AK-47 असॉल्ट राइफल का नया वर्जन है और AK-200 सीरीज का हिस्सा है। AK-203 में 7.62 मिलीमीटर की गोली लगती है। क्लाशनिकोव राइफल दुनिया की सबसे मजबूत और भरोसेमंद राइफल मानी जाती है। AK-203 में सटीकता बढ़ाने के लिए कई तरह के अपग्रेड किए गए हैं। इसमें जरूरत के हिसाब से ऑप्टिक, कोलीमेटर, नाइट और थर्मल इमेजिंग स्कोप लगाए जा सकते हैं। वजन इसका 3.8 किलो है। ये राइफल 500 से 800 मीटर तक फायर कर सकती है। वहीं एक मिनट में ये 700 राउंड गोली दाग सकती है। AK-47 हथियार में जो खूबी है वही AK-203 में भी आती है। मुश्किल मौसम में भी ये काम कर सकती है, जो इसकी विश्वसनीयता को बढ़ा देती है। कई बंदूकें ठंड या बरसात में दिक्कत करती हैं, लेकिन AK-47 दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए हथियारों में से एक है। इसे कीचड़, रेत और पानी में ले जाया जा सकता है और इसके बाद भी ये काम करती है। भारत सरकार के कार्यक्रम मेक इन इंडिया के तहत इस हथियार को उत्तर प्रदेश के अमेठी में तैयार किया जा रहा है। वैसे रूस से दोस्ती को मजबूत करने वाला एक और तोहफा देखिए, यह है भारत के टैंकों के लिए मैंगो शेल्स का उत्पादन, जो रूस की मदद से शुरू हो चुका है। मैंगो शेल्स का नाम ही काफी दिलचस्प है। दुश्मन के लिए ये ऐसे आम के गोले हैं जो किसी भी बख्तरबंद को पलक झपकते ही फाड़ सकते हैं। रूस की रोस्टेक कंपनी ने कहा है कि भारत में बनने वाले मैंगो प्रोजेक्टाइल T-72 और T-90 टैंकों से दागे जाएंगे। भारत के पास ऐसे करीब 4,000 टैंक हैं, यानी भारत के इन टैंकों को अब बारूदी आम वाला गोला मिलने वाला है। ये बारूदी आम पाकिस्तान और चीन को बेचैन कर देगा।